कोरोना के हवाले से बरादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान की हर मुमकिन इमदाद कर रहे हैं। तुर्की में कोरोना और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हवाले से मेमोरियल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के पाकिस्तान से तआवुन के मुतालिक बता रहे हैं इब्ने अली अशरफ अपनी रिपोर्ट में। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की भी कोरोना से बाकी दुनिया की तरह खासा मुतासिर हुआ है, लेकिन एसओपी को अपनाकर लॉकडाउन की पाबंदी करके तुर्की ने इस पेंडेमिक से नजात हासिल कर ली है और अब दीगर इस्लामी ममालिक की मदद में पेश पेश है। मेमोरियल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की काविशें इस पेंडेमिक में लायके तहसीन रही हैं। मेमोरियल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने ना सिर्फ कोरोना से मुतासरा लोगों का इलाज किया बल्कि पूरी दुनिया से अब तक 170 ममालिक से आने वाले ऑर्गन ट्रांसप्लांट के 4500 मरीजों के जिगर, गुर्दा, बोन मैरो और दीगर मसाइल की भी फौरी और पायदार सर्जरीज की हैं, जिसकी कामयाबी की शरह 98.4% है। हेड ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग मेमोरियल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स तुर्की का दिन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं। पाकिस्तान को ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कोरोना के हवाले से हर तरह की आगही उनका अव्वलीन मिशन है। A lot of people avoid to traveling because of the cleaning list of the airports and so on. So that's why webinars and online meetings can a good option for that. Online medical congresses can be organized together with Pakistani hospitals and doctors about a specific subject. Like tough cardiovascular surgeries, robotic surgeries, organ transplantations, bone marrow transplantations, oncology, radiation therapy, interventional radiology. So we are already organizing that kind of seminars, online meetings, but we can also organize a separate. वतने अजीज में हालात मामूल पर आने के बाद यकीनन जहां के सरकारी अस्पतालों को मेमोरियल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के तजर्बे से इस्तफादा उठाते हुए ऑर्गन ट्रांसप्लांट में नई जहतें मुतारिफ करवाना होंगी, ताकि हर साल जिगर, गुर्दा, बोन मैरो और दीगर इसी तरह के अमराज से हलाक होने वाले मरीजों की तादाद में खातर खा कमी लाई जा सके। कैमरामैन राजा जाहिद के साथ इब्ने अली अशरफ, दिन न्यूज़, लाहौर।